हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो गार्डन ओवरव्यू वीडियो है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि गर्मी के दिन में भी मेरे गार्डन में काफ़ी हरियाली है। अभी भी बहुत अच्छे से मेरे प्लांट्स सर्वाइव कर रहे हैं। टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री दोपहर तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा हुआ है और धूप में बहुत ज़्यादा तपन है, झुलस है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं यूफोरबिया मिली के ये फ्लावर्स जो अपना कलर फेड कर चुके हैं इस धूप के कारण। ये फ्लावर्स ब्लूम तो कर रहे हैं बट इनके जो कलर है वो फेड हो जा रहे हैं, लाइट हो जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे अलमांडा, इसमें भी आप ये देखिए धूप से होने वाली हानि को आप देख पा रहे हैं। इसके लीफ कर्ल हो जा रहे हैं, फ्लावर्स खिलते ही बहुत जल्दी शाम होने से पहले ही झुलस जा रहे हैं और जो गर्मी के प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक छोटा सा ये प्लांट मैंने कटिंग से लगा रखा था, बहुत अच्छे से ये चल रहा था बट एक दिन इसमें पानी डालना भूल गई जिसकी वजह से ये प्लांट मर गया। और देखिए इसी पॉट में मैंने यहाँ पर सेम की बेल लगा दी है और यहाँ आप देखेंगे ऊपर में ये सारे DIY कंटेनर्स में पर्सलेन और मॉस रोज लगा रखे हैं जो फ्लावरिंग भी अब शुरू कर रहे हैं। बट धूप इतनी है कि कुछ भी बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है। यहाँ ये देखिए संध्या फ्लावर, पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये काफ़ी हरा भरा और घना सा था बट अभी धूप और तपन की वजह से इस तरह से है। ये वही सेम की बेल है जिसे आप सभी के साथ मैंने कल शाम को लगाया था। और यहाँ मिर्च का प्लांट, ये अच्छे से लगा हुआ है, एक बड़ा मिर्च का प्लांट था जो ख़त्म हो गया। और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा स्पाइडर लिली, इसमें अभी एक फ्लावर ब्लूम होने को है इसलिए रखा हुआ है, बाकी इसको यहाँ से कट कर देना है। यहाँ पर ये रेन लिलीज रखे हुए हैं और इनके पत्तों को आप देखिए, जबकि आप नॉर्मली ऐसा नहीं देखते होंगे कि इस तरह से पत्ते जो हैं ये झुलस जाते हैं, इतना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। यहाँ पर पीछे आप देखोगे सारे कलांचों के प्लांट को मैंने सेव करके रखा हुआ है और इस तरह से कलांचों के ये सारे प्लांट को मैंने एक जगह ग्रुप में रख दिया है ताकि एक दूसरे से इनको नमी मिलती रहे। अब इन्होंने फ्लावरिंग करना भी बंद कर दिया है इतने टेम्परेचर में, अब इनकी फ्लावरिंग भी ख़त्म हो गई है तो इन्हें कट करके हटा भी देना है आपने, अगर आपके पास है कोई प्लांट जो अभी तक फ्लावरिंग कर रहा था। यहाँ पर है कनेर का येलो वाला प्लांट और ये पिंक वाला कनेर जो रोड साइड पर आपको नॉर्मली मिल जाएगा। यहाँ चांदनी का प्लांट है, ये फ्लावरिंग तो कर रहे हैं बट एक आध फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और यहाँ भी ये कनेर के प्लांट और यहाँ आप देखोगे तो तीनों बड़े वाले हिबिस्कस के प्लांट रखे हुए हैं। तीन कलर हैं, ये वाला है चंदन कलर। फ्लावर देखिए कितने छोटे छोटे से आ रहे हैं, बहुत छोटे से, और खिलते ही झुलस जाते हैं। ये रेड वाला है, हर एक ब्रांच पर आपको कलियाँ मिलेंगी बट वो फ्लावर की लाइफ ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि धूप बहुत तेज है। यहाँ पर देखिए वाइट और पिंक का जो एक ही पॉट है मेरे पास, तो इसमें भी बहुत सारी कलियाँ हैं और फ्लावर भी खिलते हैं बट वही वाली बात कि फिर से वो झुलस जाते हैं क्योंकि मेरे पास मैंने शेड नहीं लगा रखा है प्लांट्स के लिए, जिसकी वजह से प्लांट के पत्ते झुलस जा रहे हैं। यहाँ पर है टिकोमा का प्लांट, दोनों बड़े वाले, और ये देखिए ये भी किस तरह से झुलसे हुए हैं। अगर आप शेड लगाते हैं तो शेड में आपके प्लांट इतनी जल्दी झुलसते तो नहीं है बट उसके नीचे जो एक भाप सा बनता है उसकी वजह से प्लांट बहुत हद तक ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से मैं शेड नहीं लगाती हूँ। और दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरे पास शेड लगाने के लिए उचित जगह नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खर्च करके फिर मुझे शेड लगाना पड़ेगा जो मैं अभी नहीं लगा पा रही हूँ। और ये देखिए ये प्लांट भी इस तरह से ख़राब हो रहा है, ये जो विंका का है, और ये छोटे छोटे प्लांट जो मैंने ग्रो किए थे ये सब अच्छे से बढ़ रहे हैं कि यू क्योंकि ये इस तापमान में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा जैस्मिन का प्लांट, मोगरा, चांदनी, जो भी आप बोलेंगे, इसमें देखिए कितनी कलियाँ और कितने सारे फ्लावर्स हैं, बहुत ढेर सारे फ्लावर्स खिलते हैं, इसमें खुशबू भी गार्डन में बहुत अच्छी बनी रहती है बट वही कि धूप की वजह से ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते हैं, तो ये फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा वही चंदन कलर वाला हिबिस्कस और ये वाला हिबिस्कस है पिंक कलर वाला, देखिए इसमें थोड़ी सी पानी की कमी हो गई थी, मुरझाया हुआ है। और ये देखिए ये तो पीला होकर के सूख के नीचे गिर रहा है सिर्फ और सिर्फ धूप की वजह से। और इसमें यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी थी इसलिए ये प्लांट इस तरह से दिख रहा है।
यहाँ पीछे है हमारा हार सिंगार का प्लांट, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये है हमारा कटिंग से लगाया हुआ डबल पेटल वाला रेड कलर का हिबिस्कस। और यहाँ पर हमारा करी प्लांट, ये देखिए यहाँ पर जट्रोपा। जट्रोपा में बहुत ढेर सारी कलियाँ बनती है बट फ्लावर बड़े से नहीं खिल पाते, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स खिलते हैं। और यहाँ पर बोगनविला का ये कॉर्नर, यहाँ पर बोगनविला तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं क्योंकि इनका तो ये धूप जितना मिले उतना ही कम है, धूप में ही बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छे से खिलते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे ये फ्लावर प्लांट जिसमें ये कलियाँ अभी बन रही हैं और फ्लावर एक आध खिलते रहते हैं, ये वाला मैं खरीद कर लाई थी जो ये पिंक कलर वाला है, और ये वाले मैंने बीज से उगाए थे। इन सब में अभी भी फ्लावरिंग होती रहती है, बंद नहीं होते, एक एक करके फ्लावर्स आते ही रहते हैं। और ये पूरी लाइन हमारे मॉस रोज और पर्सलेन की है, अभी तक इन्होंने फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं की है। और यहाँ पर हमारा अडेनियम का ये मदर प्लांट और ये छोटे छोटे वाले प्लांट जो इनकी कटिंग से लगाया था, और ये खरीदा हुआ प्लांट है वाइट कलर का, तो ये सब भी बहुत अच्छे से ब्लूम करके अभी भी ख़त्म हुए हैं। और यहाँ पर नाग चंपा की वो दोनों छोटी सी कटिंग जो मैंने आप सभी के साथ ग्रो किया, और देखिए बहुत अच्छे से लग गया है। और ये हरियाली को प्रेजेंट करता हुआ हमारा कोचिया, इसी के साथ में हमारा अल्मांडा का ये प्लांट जो अच्छे से बेल के रूप में बनता जा रहा है। तो ये रहा आज का गार्डन ओवरव्यू। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपने गार्डन की देखभाल मई के इस महीने में भी। अगले महीने से बरसात की शुरुआत हो जाएगी तो यही प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो प्लांट अभी आपको थोड़े डिम लग रहे हैं वो उस वक्त बहुत अच्छे से ग्लोइंग, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेंगे। तो बस थोड़े दिन का इंतज़ार है, बारिश का इंतज़ार है, बारिश आते ही हमारा गार्डन दोबारा से हरा भरा एकदम बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग भी होगी। तब तक बस अपने प्लांट को पानी देते रहिए, और शेड का इंतज़ाम कर सकते हैं तो शेड लगा लीजिए ताकि आपके प्लांट धूप के एक्स्ट्रा हीट से बच सके। अगर ये गार्डन ओवरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल नोटिफिकेशन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।